दोस्तों, आपने कई बार झुंड में रहकर शिकार करने वाले जानवरों की कहानी सुनी होगी और यह भी देखा होगा कि यह जंगली और खूंखार जानवर अपनी प्रजाति के जानवरों को भी नहीं बख्शते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी जंगली मांसाहारी जानवर की दूसरे शाकाहारी जानवर से दोस्ती होने के बारे में सुना है? नहीं ना। तो आज हम आपको ऐसे ही 5 जानवरों की दोस्ती दिखाने वाले हैं जो कि सिर्फ किस्मत वालों को ही देखने को मिलती है। तो इसीलिए आज बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, वेलकम है आपका TSS एनिमल सीरीज के एपिसोड नंबर 11 में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हमारी एनिमल सीरीज की लिस्ट में नंबर 5 पर है सूर्या द ओरैंगउटन एंड रॉस्कोई द ब्लूटिक हॉर्न। सूर्या नाम का यह बंदर और रॉस्कोई नाम का यह कुत्ता दोनों ही विलुप्त होती प्रजातियों में गिने जाते हैं, जिन्हें जंगलों में अक्सर कम ही देखा जाता है। वहीं सूर्या कोई आम बंदर नहीं है, बल्कि यह काफी घुलनशील जानवर है जो कि आसानी से दोस्त बना लेता है। इसका सबसे ज्यादा प्यारा दोस्त रॉस्कोई नाम का यह कुत्ता है, जो कि हमेशा इसके साथ रहता, खाता, पीता, सोता और साथ ही साथ हगता भी है। वहीं सूर्या रॉस्कोई के साथ खेलने के अलावा तैरता भी है और कभी कभी तो रॉस्कोई का पट्टा पकड़कर उसे सैर पर भी ले जाता है। इसलिए इनकी दोस्ती पूरे इंटरनेट पर काफी ज्यादा मशहूर है। नंबर 4 पर है काशी द चीता और मटानी द लेब्राडोर। काशी और मटानी दोनों ही USA के बुश गार्डन में पले बड़े हैं और इनकी पहले कभी न देखने वाली दोस्ती आंखों को सुकून देती है। बचपन से ही इन दोनों में खूब प्यार था, लेकिन जैसे जैसे यह बड़े होने लगे, काशी चीता का इंटरेस्ट मादा चीता की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा और वह मटानी से दूर होने लगा और काशी चीता अब अपना ज्यादातर टाइम दूसरे चीता के साथ बिताता है। लेकिन जब भी यह दोस्त आपस में मिलते हैं तो पता नहीं कहाँ इकट्ठा होकर लंबी सैर पर निकल जाते हैं और इसलिए इनकी दोस्ती इंटरनेट पर काफी फेम बटोरती है। नंबर 3 पर है हिरण का बच्चा और तेंदुए की दोस्ती। इंटरनेट पर इनकी अलग अलग स्टोरी वायरल है, जिसमें से एक ये है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। यह तेंदुआ जो कि एक्चुअली में चीता है, वह एक इम्पाला के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालता है, लेकिन इसके पीछे का सच आंखों में आंसू ले आएगा, क्योंकि इस हिरण के बच्चे का जन्म होते ही मादा चीता इसे इसकी माँ से दूर अपने परिवार में उठा ले आई थी, ताकि इस हिरण के बच्चे के साथ मादा चीता के बच्चे शिकार करने के तौर तरीके सीख सकें। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा और अब हिरण का बच्चा और चीता के बच्चे दोनों ही काफी बड़े हो चुके थे। तभी इस हिरण की खोई हुई माँ अचानक ही आ जाती है और चीते के झुंड में घुस जाती है और वह तब तक नहीं भागती जब तक उसका छोटा बच्चा चीता के झुंड से बाहर निकलकर काफी दूर नहीं चला जाता। और ऐसे में हिरण की माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने आप की कुर्बानी दे देती है और चीतों के दांतों में लगने से पहले ही वह आखिरी तक अपने बच्चों को भागते हुए देखती रहती है। सच में इस माँ ने अपनी दोस्ती के साथ साथ अपनी काफी सारी ममता भी दिखाई है, जो कि काफी इमोशनल भी है। नंबर 2 पर है बी द जिराफ एंड विल्मा द ऑस्ट्रिच। 3 साल बड़ा ये जिराफ और 10 साल बड़ी यह शुतुरमुर्ग दोनों ही USA के बुश गार्डन में जन्मे और बड़े हुए हैं। लेकिन बड़े बनने के साथ साथ ही वह एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स भी बन चुके हैं, क्योंकि दर्शकों का मानना है कि बी नामक यह जिराफ विल्मा नामक शुतुरमुर्ग को प्यार जताने के लिए अपनी जीभ से चाटता रहता है और यह दोनों ज्यादातर समय एक साथ ही बिताते हैं। वैसे बता दें कि इन्हें एक साथ एक ही बाड़े में रखने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, क्योंकि यह 65 एकड़ में फैली हुई भूमि पर रहते हैं और फिर भी यह अलग अलग ना रहकर इकट्ठा रहना पसंद करते हैं, जिससे कि इनके गहरे संबंध के बारे में पता लगता है। सो फाइनली हमारी नंबर 1 दोस्ती आ चुकी है, जिसका हम पिछले कई मिनटों से इंतजार कर रहे थे। तो नंबर 1 पर है अंजना द चिंपैंजी एंड टाइगर कब्स। यह बाघ के 2 सफेद बच्चे अपनी माँ से एक तूफान के दौरान अलग हो गए थे, जिन्हें बाद में चीना नाम के केयरटेकर अपने साथ USA के एनिमल रिजर्व ले गई थी, जहाँ इन बच्चों को पालने में चीना की मदद अनजाना नाम के इस चिंपैंजी ने काफी की थी। बल्कि सीधे शब्दों में इन बाघों को अनजाना ने अपने बच्चों की तरह ही पाला था। अनजाना किसी को भी आसानी से अपने दोस्त बनाने का हुनर जानती है, यहाँ तक कि इस वीडियो में शुरू में दिखाया गया सूर्या नाम का बंदर भी इसका दोस्त है। और अनजाना हमारी दोस्ती की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर इसलिए भी आती है, क्योंकि इसने बीते समय में बहुत से अनाथ जानवरों को माँ की तरह पालने में चीना की बहुत ही ज्यादा मदद की है और यह बहुत ही दिलदार जानवर है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी दिल छूने वाली इस जंगली दोस्ती का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में सिर्फ सेकंड पार्ट को मेंशन कर देना, क्योंकि उसकी भी स्क्रिप्ट मेरे पास रेडी है और आपके एक इशारे मिलते ही वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन साइंस और एनिमल वर्ल्ड से जुड़ी हुई वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल द साइंस सिस्टम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा देना। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।